प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कार्य सम्राट स्वर्गीय नगर सेविका संजय ताई गिरकर के स्वर्गवास के बाद एक बार फिर वार्ड क्रमांक 21 में चुनावी बिगुल बज चुका है। जी हाँ, इस बार मनसे और शिवसेना ने अपना फुल सपोर्ट बीजेपी कैंडिडेट प्रतिभा योगेश गिरकर को देकर उनकी जीत पक्की कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को एक बार फिर करारी हार का सामना करना पड़ेगा। द स्टार न्यूज के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी की जीत वार्ड नंबर 21 से एक तरफा माना जा रहा है। आगे क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आइए देखते हैं बीजेपी कैंडिडेट प्रतिभा योगेश गिरकर ने क्या कहा अपने मतदाताओं से। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार प्रतिभा गिरकर, यहाँ की मिसाली है कपड़ा का खो, कपड़ा का खिलाड़ा का भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रतिभा गिरकर वार्ड क्रमांक 21, ये मेरे सासू माँ का वार्ड था, शैलेजा विजय गिरकर। उन्होंने जो भी काम आज तक किए हुए हैं, वैसे उन्होंने पूरे ही काम किए हैं, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका था, लोगों से संपर्क और एक अपनापन था, इतनी कोशिश करूंगी कि मैं भी वो बरकरार रख सकूं। उन्होंने जो भी काम किया है वो आगे लेके जाऊं और समाज में एक सामाजिक बांधिल की जो होती है वो सबके साथ रखूं, लोगों की मदद कर सकूं, एक बोलते ना प्रॉपर सिविलाइजेशन लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं, यही उम्मीद के साथ इसमें मैं शुरुआत कर रही हूँ। अभी आपका जो एरिया आता है उसमें स्लम पैकेट मेल है, स्लम कई प्रकार की समस्याएं होती है, जिनके आने के बाद स्लम के एरिया में आपको क्या समस्या? स्लम में सबसे प्रथम जो काम होता है वो है स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण। तो सबसे पहले तो ड्रेनेज का है, गार्बेज का है। मेरे काम के एजेंडा में अगर सबसे ऊपर कोई काम होता है तो वो वही रहेगा कि जो एक सुरक्षित एनवायरनमेंट बिल्डिंग वाले लोगों को होता है वही स्लम को भी मिले, क्योंकि अपना देश का भविष्य स्लम में पैदा होता है और वो आगे जाके उनको एक अच्छा वातावरण मिले, अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए जो बेस तैयार करना है वो करने की कोशिश करूँगी। मुझे मेरे जीत पर पूरा विश्वास है क्योंकि लोगों का समर्थन हमारे साथ है। जब हमारा नाम घोषित हुआ तभी लोगों में जो उत्साह आया वही बताता है कि जनता हमारे साथ है और हम पक्का जीतेंगे, वो भी बहुमत से। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।